दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों आज की पहली खबर में देखिए, छपरा शराब कांड में जहरीली शराब पीने से अब तक 71 लोगों की मौत, अभी और बढ़ेगा आंकड़ा। जहाँ देखिए छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जहरीली शराब पीने से अब तक 71 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अब भी दर्जनों लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार से शुरू हुआ मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मृतकों के परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। एक साथ इतने लोगों की मौत को लेकर बिहार का सियासी पारा भी चरम पर पहुंच चुका है। साथ ही देखिए और बेगूसराय से भी जहरीली शराब से मौत की खबरें आ रही है। सिवान में 5 जबकि बेगूसराय में 2 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। तो वहीं बड़ी खबर में देखिए, नीतीश ने सदन में कर दिया साफ, शराब से मरने वालों को नहीं मिलेगी कोई सरकारी मदद। जहाँ देखिए बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर भाजपा की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। वहीं बीजेपी ने इस मसले को लेकर नीतीश सरकार से इस्तीफा मांगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग करती रही। तो वहीं देखिए इसी कड़े में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पे जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही, इसीलिए यह समझा जाना चाहिए कि गंदी चीजों को नुकसान होता है। साथ ही देखिए नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि शराब पीने वालों को लेकर कोई किस तरह से मदद की मांग करता है। शराब गंदा चीज है, जो इसे पिएगा वो मरेगा। हम लोग इसमें कतई कभी भी कोई मदद नहीं करेंगे। दरअसल छपरा कांड में जहरीली शराब से भी मौत को लेकर CPM विधायक डॉक्टर सत्येंद्र ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री से मुआवजा देने की मांग सदन में रखी, जिसके बाद इसको लेकर CM सदन में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि अपने ही सरकार में शामिल लोग हमसे इसको लेकर सवाल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब गंदा चीज है, जो इसे पिएगा वो मरेगा। हम लोग इसमें कतई कभी भी कोई मदद नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जो शोरगुल और हंगामा मचा रहे हैं वो लोग तो भगवान श्री कृष्ण को मानते ही। उन्होंने कहा कि गीता में भी कहा था कि मादक पदार्थ का सेवन खराब है। तो वहीं देखिए बड़ी खबर, बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग। जहां देखिए बिहार के छपरा में जहरीली शराब से करीब 60 लोगों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर इस मामले की जाँच स्वतंत्र SIT यानी विशेष जाँच दल से कराने की मांग की गयी है। बता दें कि शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच में इस मामले को उठाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तत्काल इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आज जिन केस की सुनवाई होनी है उसको सूची में यह मामला शामिल नहीं है। साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर यह मामला इतना महत्वपूर्ण है तो आपको इसे लिस्टेड कराना चाहिए। मेरे कोर्ट में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सॉरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आयावर्त महासभा फाउंडेशन ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बेचने पर राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन प्लान बनाना चाहिए। इस याचिका में मांग की गई है कि बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। बड़ी खबर में देखिए, सुबह में 1 अप्रैल से शुरू होगी जाति की जनगणना, बाहर रहने वालों को भी देनी होगी जानकारी। या देखिए बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जाति आधारित गणना को लेकर सभी तरह की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब राज्य में जल्द ही जाति की जनगणना शुरू कर दी जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से पहले चरण की तिथि की घोषणा के साथ ही अब दूसरे चरण के लिए भी तारीख की निर्धारित कर लिया गया है। दरअसल सुबह में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा। इसमें अपने काम के सिलसिले में राज्य से बाहर रहने वाले यानी दूसरे राज्य या विदेश में रहने वाले लोगों को भी गणना होगी। उनकी सूची में उनके राज्य का नाम दर्ज होगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण से पूर्व पहले चरण में 7 से 21 जनवरी के बीच मकान के नंबरिंग के साथ घर के मुखिया व सदस्यों का नाम दर्ज किया जाएगा। इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि दूसरे चरण में होने वाली गणना के दौरान तैयार सूची के साथ मिलान करने में परेशानी न हो। साथ ही देखिए पहले चरण में गणना कर्मी प्रत्येक घर में रहने वाले लोगों के घर, कच्चा या पक्का की स्थिति, जमीन की स्थिति, वार्षिक आमदनी, घर के सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति, रोजगार है तो सरकारी या निजी आदि डिटेल लिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत बिहार के 85 लाख किसानों के खाते में भेजे गए 15,964 करोड़ रुपए। जहाँ देखिए राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि PM किसान निधि के तहत बिहार के 85 लाख 60 हजार किसानों को
15,964 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया गया है। राज्य के सर्वाधिक सारण जिले के 6.1 लाख किसानों को 1,090 करोड़, वहीं पूर्वी चंपारण के 5.02 लाख किसानों को 916 करोड़ तथा सिवान मुजफ्फरपुर के 4 लाख से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा बिहार के 10,10,000 किसानों का बैंक खाता आधार से नहीं जुड़े होने के बावजूद भी अभी तक उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। बाड़ी खर में देखिये 22 को होने वाली प्रधान शिक्षक परीक्षा स्थगित। जैसे बिहार में प्रधान शिक्षकों के लिए 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसकी अधिसूचना शुक्रवार को बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी है। आपको बता दें कि बिहार के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह परीक्षा 22 दिसंबर को होनी थी। आयोग ने अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित करने की बात कही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग की ओर से बनाई गई नियमावली पर आपत्ति जाहिर करते हुए आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए थे। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग को परीक्षा पर रोक लगाने का पत्र भेजा था। इसके बाद ही आयोग ने अगले आदेश तक परीक्षा स्थगित कर दी है। साथ ही जिन जिलों में परीक्षा होनी थी वहां के डीईओ को परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना भेज दी गई है। इधर बीपीएससी के सूत्र की माने तो अब नियमावली में बदलाव के बाद ही आयोग को परीक्षा की प्रक्रिया बदलनी पड़ सकती है। बाड़ी खर में देखिए बिहार में तेज पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। याद के बिहार में बर्फीली प्रभाव लेकर राज्य भर में पछुआ और उत्तरी पछुआ के प्रभाव बने रहने से तापमान में गिरावट जारी है। सुबह और शाम में बिना गर्म कपड़ों के रहने पर ठंड कपा दे रही है। वहीं देखिए 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़े पछुआ और दूसरे दिन में राज्य के अधिकतर शहरों के तापमान में गिरावट आई है। हालांकि राज्य के दक्षिण भाग में कनकनी बढ़ी है, जबकि उत्तरी भाग में हवा का प्रभाव कम होने से ठंड का थोड़ी कमी हुई है। वहीं देखिए उत्तरी भाग की ओर कोहरे का असर है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य भर में औसत न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं शुक्रवार को राज्य के 18 जिलों में न्यूनतम तापमान लुढ़कर राज्य के 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। बाड़ी खर में देखिए बिहार में 2024 से बदलेगा पॉलिटेक्निक का सिलेबस। बिहार के 46 सरकारी और 26 निजी संस्थान में किया जाएगा लागू। जहाँ देखिए 2024 से राज्य के पॉलिटेक्निक का सिलेबस बदल जाएगा। सभी राज्य के व प्राइवेट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम का करिकुलम का आउटकम आधारित बनाया जाएगा। इन संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले 29 डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम में से 18 का नया सिलेबस NITR भोपाल तैयार कर चुका है। इनके लिए बिहार काउंसिलिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 दिनों की ट्रेनिंग व कार्यशाला हुई है। बाड़ी खर में देखिए मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा कैंसर अस्पताल। 198 करोड़ रुपए हुए जारी, इतने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा हॉस्पिटल। जहाँ देखिए मुजफ्फरपुर में टाटा कैंसर अस्पताल के सहयोग से बनने वाले कैंसर अस्पताल के लिए भारत सरकार द्वारा 198.15 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। वहीं देखिए जनवरी 2023 में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक निर्माण कार्य उपकरण आदि पर 6.25 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। यह जानकारी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में केंद्रीय क्रामिक लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी है। बाड़ी खर में देखिए बिहार में मार्च 2023 तक 1.2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति इसी माह निकलेगा विज्ञापन, लेकिन बदले जाएंगे नियम। जहाँ देखिये बिहार के करीब 9,000 प्लस टू स्कूलों में 1.2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति मार्च तक किए जाने की संभावना है। इसका विज्ञापन दिसंबर में ही निकलेगा और देखिये विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार मांग हो रही है, इसलिए सरकार इसे अब और लंबा नहीं खींचेगी। शीतकालीन सत्र के बाद किसी भी दिन सरकार 7वें चरण के घोषणा कर देगी। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन के बाद प्राथमिक और मध्य स्कूल के लिए शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए जिला संवर्ग सेवा का गठन किया जा रहा है। बाड़ी खर में देखिए बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमा। 18 दिसंबर को 156 शहरों में वोटिंग, 20 को रिजल्ट। जहाँ देखिए बिहार में पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। शुक्रवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार की अवधि खत्म हो गई है। 18 दिसंबर को 156 निकायों में चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही पोलिंग पार्टी बूथों की ओर से रवाना हो गई है। बूथों पर सुरक्षा बल की तैनाती शुरू हो गई है। रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। वहीं पटना जिले में 12 निकायों में पहले चरण में वोटिंग होनी है। इनमें 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत में चुनाव होगा। पहले चरण के वोटों की गिनती 20 दिसंबर को हो जाएगी। हालांकि दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होना है। इस चरण में 28 नगर निकायों पर चुनाव होना है।
बाड़ीखर में देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त में मिलेगी। बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइन। याद रखिए, बिहार में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब दवा बाहर से नहीं खरीद करनी पड़ेगी। मरीजों को 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त में मिलेगी। नई नई बीमारी सामने आने के बाद सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वितरण को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत अब मरीजों को निजी दुकानों से दवा नहीं खरीदनी पड़ेगी। सरकार की ओर से जारी नए संकल्प में मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल व स्वास्थ्य उपकेंद्र तक अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी में कुल 611 प्रकार की दवाओं का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, बिहार में अब मनमाने तरीके से लोग नहीं करा सकेंगे बोरिंग। इस विभाग से लेना होगा एनओसी। या देखिए, राज्य में बारिश खत्म होते ही हर वर्ष भूजल का स्तर गिरने लगता है और गर्मी में सरकारी चापाकल एवं निजी बोरिंग तक पानी छोड़ने लगते हैं। वहीं देखिए, राज्य सरकार के स्तर पर हाल ही में हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिलों से मिली हर रिपोर्ट की गहन समीक्षा के बाद एक बेहद अहम निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद अब धड़ल्ले से हो रहे निजी बोरिंग पर अंकुश लगाया जाएगा। वहीं पुराने सभी बोरिंग की गिनती की जाएगी। इस काम को लघु जल संसाधन विभाग, कृषि पीएचडी और पंचायती राज विभाग मिलकर करेंगे। वहीं देखिए, सर्वे के दौरान पीएचडी अधिकारी निजी, सरकारी और कृषि बोरिंग की गिनती भी करेंगे ताकि पानी की उपलब्धता और उसकी खपत की रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहीं बोरिंग के लिए पानी का उपयोग करने में किस तरह की कार्रवाई होती है, इसको लेकर भी रिपोर्ट तैयार होगा। इस काम को करने के लिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं निजी बोरिंग करने के लिए एनओसी भी लेना होगा और इस संबंध में निगरानी की जिम्मेदारी सभी डीएम को सौंपी जाएगी। वहीं अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, नालंदा, पटना, दरभंगा में वाटर मैकिंग की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और इन इलाकों में तकनीक से सभी पानी की जाँच होगी। देखिए, स्टेशन पर अब नहीं करना होगा इंतजार। अब 20 किलोमीटर दूर से बुक कर सकेंगे जनरल रेल टिकट। पटना जंक्शन पर शुरू हुई सुविधा। याद रखिए, बिहार में रेल से सफर करने वाले यात्रियों को अब पहले से अधिक सुविधा मिलने जा रही है। अब रेल यात्रियों को जनरल टिकट लेने के लिए घंटों लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब राज्य के रेल यात्रियों को रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर दानापुर मंडल ने यूटीएस ऐप से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए तय की गई दूरी को बढ़ा दिया गया है। दरअसल अब जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले यात्री अब अपने मोबाइल के एक ऐप के जरिए यात्रा शुरू करने से पहले स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर से ही टिकट बुक करा सकेंगे। हालांकि इससे पहले भी रेल यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन उसमें यह सुविधा ऐप पर 5 किलोमीटर के दायरे में ही मिल पाती थी। इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर पूर्व मध्य रेलवे में इसकी शुरुआत कर दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।